एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि आप लोग टाइटल से समझ गए होंगे, मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ एक आइस फेशियल, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हमें स्पॉटलेस एंड ग्रोइंग स्किन पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। कई बार क्या होता है ना, अपनी स्किन पर बहुत ही ज़्यादा अपने मतलब महंगे महंगे फेशियल करवाते हैं, पर उससे भी कोई ज़्यादा बदलाव नहीं दिखता है हमारे चेहरे पर। बट अगर हम ये आइस वाटर फेशियल अपने घर पर करते हैं तो उसी से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है, हमारे ग्रोइंग स्किन पा सकते हैं। हो सके तो इस आइस फेशियल को आप अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हो। हमें ज़रूरत भी है इसको शामिल करने की, क्योंकि इससे हमारी स्किन बिल्कुल बेदाग और खूबसूरत बनी रहती है। तो हमारा इसमें कुछ भी पैसा तो खर्च होता नहीं, सिर्फ खर्च होते हैं तो आइस क्यूब्स। सो आप लोग, ये तो बहुत ही आसान है, आप लोग कोई भी इसको अपने घर पर ट्राई कर सकते हो। सो आइए चलते हैं, अपने घर करते हैं आइस फेशियल। स्टेप ये है कि अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लें और उनको पोंछ लें अच्छे से। पहले लेना है एक बड़ा बाउल जिसमें हम अपने फेस को डिप कर सकें। देन सेकंड में लूँगी एक आइस ट्रे एंड इस आइस को मैं इस पानी में डालूँगी। मैं आइस को पानी में डाल के 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। अब मैं ऐड करूँगी इसमें रोज़ वाटर, ये एकदम ऑप्शनल है। ले लिया है बाउल एंड अब मैं इसमें डिप करूँगी अपने फेस को। सेकेंड स्टेप, अपने फेस को आइस वाटर में 10 सेकंड के लिए डिप करके रखना है। उसके बाद अपने फेस को बाहर निकालें और सांस लें। फिर से इस प्रोसेस को करें एंड तकरीबन 1 मिनट तक इस प्रोसेस को रिपीट करते रहें। अब जान लेते हैं आइस फेशियल के बेनिफिट्स। आइस फेशियल हमारी स्किन की ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के साथ साथ हमारी फेस की थकावट को भी दूर करता है, जिससे हम एक बेदाग और ग्लोइंग स्किन मिलती है। ये फेशियल चेहरे की झुर्रियों और फाइन लाइंस को भी कम करने में बहुत हेल्प करता है। किसी किसी के फेस पे पिंपल्स की वजह से सूजन भी आ जाती है, तो ये उसको भी कम करता है। हमारी स्किन को ऑयल फ्री रखता है, जिससे हमारी स्किन पे होने वाले एक्ने पिंपल्स बहुत ही कम होने लगते हैं। अपने फेस को पानी से बाहर निकालने के बाद ब्लड सर्कुलेशन के लिए अपने फेस को थपथपाना बिल्कुल ना भूलें, कुल 25 सेकेंड्स तक ऐसा करें। एक और बात, अगर आप मेकअप करने से पहले इस आइस फेशियल को करते हैं तो आपका फाउंडेशन काला नहीं पड़ेगा, आपका मेकअप लॉन्ग स्टे करेगा। अब मैं एक आइस क्यूब को लेके उसको अपने फेस पे रब करूँगी, क्योंकि मॉनसून चल रहा है। मॉनसून में मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली और चिपचिपी हो गई है। आपको पसंद आए तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अपने इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। सो अभी के लिए बाय बाय, मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।